गांधी का चैप्टर नहीं है, उसका नाम भी मौलिक अधिकार है। उस चैप्टर का नाम बैठ जाइए। हम लोगों को वैद्य जी क्या ढूंढ रहे हो? आधा घंटे में जाना है और वैद्य जी के पास मानव अपनी परिभाषा के अनुरूप बौद्धिक तथा भौतिक समृद्धि अभय सह अस्तित्व में प्रमाण का स्रोत व प्रमाण परंपरा है। यह मौलिक विधान कहाँ पढ़ रहे भैया? 1.3 मानव अपनी परिभाषा के अनुरूप बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि अभय सह अस्तित्व में प्रमाण का स्रोत व प्रमाण परंपरा है। यह मौलिक विधान है। व्याख्या अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है, क्योंकि प्रत्येक एक स्थिति गति में होना पाया जाता है। स्थिति में क्रिया एवं गति में व्याख्या। गति में व्याख्या, स्थिति में क्रिया। एक जगह लिखा है कि जीना ही व्याख्या है। आएगा समझना ही स्थिति है, जीना व्याख्या। स्थिति गति सहित ही त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी अर्थात पूरकता या पूरक होना पाया जाता है। प्रत्येक एक अपनी स्थिति में क्रिया होना दिखाई पड़ता है। हर क्रिया अपने गति सहित स्थिति एवं स्थिति सहित गति के रूप में होना पाया जाता है। जैसे एक जागृत मानव किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, स्थिति गति के संयुक्त रूप में होता है। मानव अपने में आशा विचार इच्छा संकल्प और प्रामाणिकता सहज गति और आस्वादन तुलन चिंतन बोध एवं अनुभव सहज स्थिति के संयुक्त रूप में रहता ही है। इन्हीं का किसी न किसी स्थिति या गति सहज प्रकाशन शरीर के द्वारा संपन्न होता ही रहता है। तो एक होता हुआ भी उसमें परंपरा रहती है, इसलिए वो क्योंकि उसमें परंपरा की अभिव्यक्ति होती है, एक की अभिव्यक्ति नहीं होती। संप्रेषणा भी परंपरा के अर्थ में होती है, प्रकाशन भी परंपरा के अर्थ में होता है, इसलिए प्रत्येक जागृत जैसे एक जागृत मानव किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, स्थिति गति के संयुक्त रूप में होता है। मानव अपने में आशा विचार इच्छा संकल्प प्रामाणिकता सहज गति और आस्वादन तुलन चिंतन बोध एवं अनुभव सहज स्थिति के संयुक्त रूप में रहता ही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने होने को केवल अपने इंडिविजुअल तक ही पहचानता है ना, तो वो परंपरा में नहीं है। परंपरा में अपने होने को देखता है, उस अर्थ में जागृत मानव परंपरा में एक अंगभूत रहता है ना, उसी अर्थ में उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा होगा। इन्हीं का किसी न किसी स्थिति या गति सहज प्रकाशन शरीर के द्वारा संपन्न होता ही रहता है। इसी प्रकार यह धरती अपने स्थिति सहज रूप में अपनी धुरी में गतित रहते हुए सूर्य के सभी ओर अपने गति पथ में आरूढ़ रहता हुआ दिखाई पड़ता है। यह सौर व्यूह अपने में एक व्यवस्था के रूप में दृष्टव्य रहते हुए अनेक सौर व्यूह के साथ सह अस्तित्व सहज स्थिति गति को और पूरकता को प्रमाणित करता ही है। इसका प्रमाण यही है, एक अनेक पर और अनेक एक पर प्रतिबिंबित प्रमाणित है ही, क्योंकि एक अनेक पर और अनेक एक पे, इसलिए वो अखंडता की अनुभूति होती है ना, सार्वभौमता की अनुभूति है ना, परंपरा की अनुभूति एक व्यक्ति में भी हो सकती है, क्योंकि परंपरा जो है एक व्यक्ति में प्रतिबिंबित है और वो
अभिव्यक्ति उसी की अभिव्यक्ति उसी की संप्रेषणा है। यदि हमारे विचार व्यवहार और कार्य में परंपरा की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है तो हम परंपरा है, उस रूप में हम परंपरा के रूप में एक मानव होते हुए भी परंपरा के रूप में। समझ में आ रहा है ऐसे ही है कुछ और है? ऐसा तो है, ऐसा तो है, कुछ तो अटक रहा है मामला। हाँ, मतलब एक बार और थोड़ा इसको और विस्तार से सोचिए, फिर से पढ़िए एक बार। पहले से ही पढ़े तो स्थिति गति वाला जो है ना, उनको अनुभव हुआ जिसको अपन अनुभव भी कह रहे हैं, अनुभव दर्शन में जो जिसको उन्होंने अभिव्यक्त किया, ठीक बात है। उसी अर्थ में उनका ये प्रस्ताव है जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का जो प्रस्ताव है, जो पूरी जिंदगी फिर वही बोलते रहे, मैंने वही व्यक्त करते रहे, उसी के लिए उन्होंने सारी योजनाएं बनाई है ना, उसी को क्रियान्वित करने के लिए। तो एक तरीके से अविभाज्यता की अभिव्यक्ति उनके अंदर से हो रही थी दर्शन व संविधान के रूप में, है ना। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी, एक इंडिविजुअल के रूप में अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। उनका जो व्यवहार था वो भी अखंड समाज के अर्थ में व्यवहार था, इसलिए उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए काम किया ऐसा नहीं है ना, तो उन्होंने मानव यानी अखंड समाज के अर्थ में काम किया। जो लोग समझना चाहते थे उनके साथ श्रम लगाए, अपना तन मन धन तीनों लगाए, परंपरा के अर्थ में व्यवहार, व्यवस्था के अर्थ में व्यवहार, उस तरीके से। यदि मान लीजिए हम अविभाज्यता पहचानते हैं, जहाँ तक हम अविभाज्यता को पहचान पाते हैं, जैसे मान लो परिवार तक पहचानी तो परिवार के रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषणा, समाज तक पहचानी है अविभाज्यता तो हमारी अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन समाज तक है, सार्वभौम व्यवस्था तक पहचानी तो सार्वभौम व्यवस्था, तो हमारे जब भी हम विचार व्यक्त करेंगे उसमें सार्वभौम व्यवस्था की अभिव्यक्ति, व्यवहार करेंगे सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, कार्य भी करेंगे सार्वभौम व्यवस्था, योजना भी बनाएंगे सार्वभौम व्यवस्था क्या। तो उस समय जो अभिव्यक्त होने वाली वस्तु है वो परंपरा है, अभिव्यक्त होने वाली जो वस्तु है वो प्रभु सत्ता है या अखंडता है, इस तरह। तो हर व्यक्ति के अंदर से भी सार्वभौमता अखंडता जो है प्रभु सत्ता उससे व्यक्त हो सकती है, और मैं से के लिए देखेंगे तो व्यक्त भी होगी और संप्रेषित भी होगी और प्रकाशित भी। तभी तो अखंडता प्रमाणित होगी ना। फिर इसके बाद आता जागृति है ना, ये तो अभिव्यक्ति संप्रेषणा है प्रकाश ना, तो जागृति प्रमाण सहित है जो अपन प्रकाशन क्रिया कर रहे हैं, प्रकाशन प्रमाण का ही है। तो जागृति के बारे में बाबा जी ने खुद ही कहा कि समाधान समृद्धि तक प्रमाण है जागृति का जो प्रमाण है, अब ऐसा स्थित प्रमाणित होना शेष है। तो यदि मान लीजिए कि समाज उसके अनुसार बन जाता है तो बाबा जी का जो जिसको अपन कह रहे हैं कि अभय है वो प्रमाणित हो जाएगा। यदि इस पृथ्वी पे व्यवस्था बन जाती है तो बाबा जी ने जो सह अस्तित्व में अनुभव किया था वो अनुभव का प्रमाण आ जाएगा, वो प्रमाण भी उन्हीं का है, जागृत व्यक्ति का ही प्रमाण है। ये स्थिति गति की बात आई ना, एक लिए यहाँ से वो आया शिफ्ट आया, तो जो गति है वही तो संप्रेषणा है, संप्रेषणा जो है वो व्यवहार के रूप में और व्यवसाय के रूप में रहती है, व्यवसाय के रूप में व्यवस्थात्मक रूप में संप्रेषणा है, और ये व्यवहार के रूप में जो परिवार से लेके विश्व परिवार तक है उसी को से बोलते हैं ना, सारी संप्रेषणा से के अर्थ में, सारी अभिव्यक्ति मैं के अर्थ में, और सारा जो
जिसको अपन व्यवस्था कहते हैं वो के लिए है ना, व्यवस्था के लिए। यहाँ जो क्रिया को बोल रहे हैं ना, मतलब शुरुआत में ये बात बताई ना, शुरू यहाँ से किया कि अस्तित्व क्रिया स्थिति है। हाँ, अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है। संपूर्णता सहित जब बोल रहे हैं तो यह कहें तो व्यवस्था है, और व्यवस्था में भागीदारी, भागीदारी को ही गति के रूप में बोल रहे हैं। और जो भागीदारी कर रहा है वो भी स्थिति गति का संयुक्त रूप में ही है, तभी वो भागीदारी कर पा रहे हैं। प्रश्न क्या है, मैं समझूं? तो ये जो स्थिति की दो बातें आई, एक तो हम स्थिति बोल रहे हैं और स्थिति क्रिया बोल रहे हैं। नहीं, बार नहीं, स्थिति क्रिया नहीं, क्रिया अपनी निरंतरता के साथ स्थिति है ना। जैसे मानव का परंपरा में बना रहना स्थिति है ना, पदार्थावस्था का बना रहना स्थिति है, प्राणावस्था का बना रहना, क्योंकि वो निरंतरता के अर्थ में बना है। तो प्रकृति भी स्थिति में है ना, निरंतरता के शाश्वतता के अर्थ में प्रकृति स्थिति है। केवल स्थिति में नहीं है, स्थिति के साथ उसमें गति है। गति क्या है? विकास क्रम, विकास है, जागृति क्रम, गति। एक बात है, पर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्थिति में क्रिया एवं गति में व्याख्या। हाँ, एक क्रिया व्याख्या है, दूसरा है प्रत्येक अपनी स्थिति में क्रिया होना दिखाई पड़ता है। तो सारी क्रियाएं स्थिति में ही है, सारी क्रियाएं क्रिया की निरंतरता के रूप में स्थिति है, इसीलिए तो क्रिया को शाश्वत बोल रहे हैं। व्याख्या का क्या मतलब? जब हम ये व्याख्या का मतलब होता है वो जो क्रिया गति कर रही है, वो व्याख्या है। ये तो स्थिति गति हो गया, अब स्थिति ही क्रिया है। जैसे बोले प्रत्येक अपने स्थिति में क्रिया है ना, फिर एक ये बात आता है कि स्थिति क्रिया और गति क्रिया, जब हम जीवन क्रियाओं को अध्ययन करते हैं तो उसमें स्थिति क्रिया और गति क्रिया, उसमें जो है भैया, उसमें स्थिति क्रिया जो स्वयं में है, स्वयं में निरंतरता के अर्थ में जो स्थिति क्रियाएं हैं वही अभिव्यक्ति में जब है तो उसको गति क्रिया है, क्योंकि अभिव्यक्ति ही गति है। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, क्योंकि जो व्याख्या ही, तो जो अभिव्यक्ति है वही व्याख्या है, सारी अभिव्यक्ति व्याख्या के अर्थ में है। ठीक बात। तो वहां पर भी जो जीवन में भी कह रहे हैं तो वो यही है, एक स्थिति क्रियाएं है, स्थिति क्रियाएं ना जो स्वयं में निरंतरता के अर्थ में बनी रहती है। उस संदर्भ में स्थिति क्रिया को क्रिया कह रहे हो, गति क्रिया को व्याख्या कह रहे हैं। वो अभिव्यक्ति को व्याख्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति। ठीक बात। तो जैसे मान लीजिए आस्वादन है, आस्वादन की व्याख्या क्या है? तो उसकी अभिव्यक्ति है जो चैन में बता रहे। नहीं तो हर आस्वादन में अच्छा लगने ही होता है बस, है ना। अब ये अच्छा लगने की व्याख्या है तो खट्टा मीठा चिरपुरा तीखा है ना, सुख शांति संतोष आनंद, माता पिता पुत्र, ये सब जो है, ये सब अच्छे लगने की व्याख्या है जो अभिव्यक्ति है। तो इसलिए जो आस्वादन नाम की क्रिया, उसकी अभिव्यक्ति में इतना सब फैलता है, ऐसे ही विचार में। तो तुलन जो है वो स्वयं में क्रिया है, तो तुलन की व्याख्या क्या है? तो विश्लेषण ही। सारी क्रिया है ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइए, और कोई स्पष्टीकरण हो वो भी बताइए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे 1.3 में ये लिखा है, मानव अपनी परिभाषा के अनुरूप बौद्धिक समाधान तथा बौद्धिक समृद्धि अभय सह अस्तित्व में प्रमाण का स्रोत व प्रमाण परंपरा है, यह मौलिक विधान है। मतलब यहाँ पे अपनी परिभाषा के अनुरूप का मतलब क्या है? जो परिभाषा है ना, मनाकार को साकार करने वाला, उसके अनुरूप, मानव की जो परिभाषा है उसके अनुरूप। अच्छा अच्छा, ओके ओके।
फिर से पढ़ लीजिए एक बार अगर। अस्तित्व प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है। एक सेकंड, एक ये जो संपूर्णता है, एक जो कहते हैं हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्णता, तो यहाँ पे उन दोनों को भी अपने रिलेट कर सकते हैं क्या? मतलब जो हर इकाई अपनी वातावरण के सहित संपूर्ण है, तो सही व्यवस्था पूर्ण लिखा, संपूर्ण लिखा, संपूर्ण संपूर्ण वातावरण से संपूर्ण है, संपूर्ण है, वातावरण सहित संपूर्ण ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है अस्तित्व में प्रत्येक एक तो, अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है। नहीं, यहाँ तो ये लिखा है। हाँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक व्याख्या वो है। हाँ। एक नहीं व्याख्या है, कहाँ पर हो जो आप कह रहे हो, वो है भौतिकवाद में क्या लिखा है, मतलब वो है। संपूर्णता मतलब अपने वातावरण सहित होना, हाँ अपने वातावरण सहित होना संपूर्णता है, हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, संपूर्णता लिखा है बालाजी ने, वैसे हर इकाई का अपने वातावरण सहित होना ये संपूर्णता का वातावरण में क्या, अब वो तो जो है आगे दूसरी बात हो गई ना, इसलिए मतलब यदि इकाई संपूर्ण के रूप में देखेंगे तो वातावरण सही है, लेकिन इसीलिए अंश को इकाई नहीं बोला ना, अंश को पूर्व रूप कहा, प्रकृति का भी, प्रकृति भी नहीं बोला, प्रकृति का पूर्व रूप, हाँ वो इकाई नहीं, इकाई को वातावरण के साथ माना, वातावरण तभी होता है जब वो गठन पूर्ण हो जाता है ना, गठन हो जाता है, पूर्ण नहीं कह रहा हूँ, गठन हो जाता है, जब गठन होता है तब वातावरण पैदा होता है, एक से अधिक अंश की बात कर रहे हैं, परमाणु क्या क्या लिखा है, हर्ष इसमें लिखा है प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, प्रत्येक एक का मतलब क्या, एक की बात नहीं हो रही, एक एक प्रत्येक एक मतलब प्रत्येक इकाई, मतलब जो प्रत्येक है, जो सारी है, बस एक एक इकाई, एक एक इकाई अपने वातावरण से, हर इकाई, हर इकाई, हर इकाई, हर एक इकाई। और मैं कह रहा था कि ये जो दोनों जो वाक्य हैं, दोनों का संबंध भी बैठता है क्या, अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है, तो जब संपूर्णता की बात कर रहे हैं तो प्रभाव सहित है, वातावरण सहित, तो जब संपूर्णता की बात करेंगे तो दोनों आ जाएगा ना, कि क्रिया भी है और उसकी व्याख्या, क्रिया भी उसकी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के साथ में, तो हर क्रिया की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन, वही उसका वातावरण, तभी वो पूर्ण है या संपूर्ण है, संपूर्ण है, आप जाओगे क्या, तो ओला करके, हाँ क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा, हाँ क्योंकि हम वेट बहुत करना पड़ता है, कर लो ठीक है, सुन जाओ बताइए, वो तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि कोई भी जागृत मानव भी है वो किसी भी स्थिति में होगा या कहीं पे भी होगा, वो स्थिति गति के संयुक्त रूप में ही होगा, मिला के यहाँ स्थिति गति की बात करें, कोई भी इकाई है ना, अब वो स्थिति गति का जो संयुक्त रूप है उसमें उसको क्रिया और व्याख्या के रूप में उसको बता रहे हैं, स्थिति में उसको क्रिया कह रहे हैं, गति में व्याख्या, इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे जीवन में आशा विचार इच्छा और यहाँ पे अपना ये तुलन चिंतन विश्लेषण ये सब है, तो उसको भी बोला है कि वो स्थिति में ये है, गति में ये है, पर जब भी शरीर से कोई स्थिति या गति व्यक्त होगा तब ये दोनों स्थिति गति के संयुक्त रूप में ही व्यक्त होगा, जब भी उसकी व्याख्या होगी तो स्थिति गति के संयुक्त रूप में ही उसका गति में या स्थिति में व्यक्त होना होगा, वो उसकी व्याख्या है, तो उसको यहाँ से क्या है, ऐसे नेचुरली नेचुरली है, वैसे ही स्थिति में क्रिया ही नहीं है तो अभिव्यक्ति किसका होगा,
यदि कोई चीज अभिव्यक्त हो रही, मतलब कोई चीज है क्रिया रूप में, वस्तु रूप में कोई है, वस्तु रूप में क्रिया है, तो हमको गति यदि दिख रही है तो वस्तु रूप में स्थिति है, तभी तो दिख रही है, नहीं तो कैसे दिख। जो गति को भी या मतलब जो व्याख्या जो है, व्याख्या को वो भागीदारी के अर्थ में कह रहे हैं कि जैसे जीने के अर्थ में, जीने के अर्थ में, और जीने के अर्थ में पूरकता के अर्थ में बोल रहे हैं कि जैसे धरती भी है वो सौर व्यू में पूरकता है, सौर व्यू अपने में व्यवस्था। जब मानव को देखते हैं ना, हाँ, परमाणु को देखेंगे तो यदि मान लीजिए कि परमाणु में विकास को नहीं देख पाते हैं, तो फिर परमाणु एक क्रिया मात्र है बस। लेकिन एक क्रिया जब गति के अर्थ में है ना, जिसको विकास क्रम के अर्थ में यदि देख पाते हैं, तो वही तो उसकी व्याख्या है। मानव मानव में आचरण ही उसकी व्याख्या है। मानव का व्याख्या क्या है? आचरण ही व्याख्या होता है। हर हर इकाई का, हर इकाई का। तो यदि आचरण है तो किसी में तो आचरण होगा ना, आचरण कोई शून्य से तो नहीं होगा पहले। तो उसके मूल में कोई स्थिति है, स्थिति है, होने के अर्थ में स्थिति है, होने की निरंतरता के अर्थ में स्थिति। और हर स्थिति में भी स्थिति पूर्ण सत्ता है। जो भी जिसको हम लोग क्रिया कह रहे हैं ना, क्रिया एक स्थिति है, क्रिया की निरंतरता के रूप में। लेकिन क्रिया की निरंतरता के रूप में उसमें व्यापक वस्तु उसमें पारगामित है, यानी व्यापक वस्तु में क्रिया डूबी भीगी हुई है। तो इसीलिए शाश्वतता और नित्यता के सह अस्तित्व में स्थिति है। सारी स्थितियां शाश्वतता और नित्यता के सह अस्तित्व में स्थिति है। तो इसलिए जब भी व्याख्या होगी इसके साथ ही होगी, है ना। तो जब भी स्थिति की व्याख्या होगी तो वो सह अस्तित्व के अर्थ में स्थिति है। तो व्याख्या भी सह अस्तित्व के अर्थ में ही व्याख्या होगी। तो क्रिया की निरंतरता के रूप में स्थिति है, व्यापक वस्तु में हर क्रिया डूबी भीगी घिरी हुई है, यानी स्थिति पूर्ण सत्ता में स्थितिशील प्रकृति है। तो इसीलिए हर स्थिति जो है, क्योंकि स्थिति पूर्ण सत्ता में है, इसीलिए स्थितिशील प्रकृति में गति है, और वो गति पूर्णता की ओर है। इसीलिए गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही प्रकृति की व्याख्या है। जब इसको एक एक इकाई में देखेंगे तो हर इकाई में उसका जो त्वासहित व्यवस्था में रहना है उसकी व्याख्या है, जिसको हम लोग मौलिकता कह रहे हैं, मौलिकता ही व्याख्या है। वैसे भी हम कहेंगे भाई पेड़ की व्याख्या करो तो आप क्या करोगे, रूप गुण स्वभाव धर्म की व्याख्या करेंगे, तो मौलिकता के रूप में मानव की व्याख्या करो तो क्या बताएंगे, तो जो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है उसी के आधार पर, जो उसकी मौलिकता है उसी में मानव की व्याख्या है। कोई भी चीज की व्याख्या उसका आचरण ही होता है, और आचरण गति में ही होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मौलिकता और संपूर्णता के साथ में व्याख्या है। वो तो बोल ही दिया ना, स्थिति गति दोनों के साथ में संयुक्त रूप में, तो संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थिति है, क्रिया स्थिति के रूप में है। स्थिति का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी निरंतरता है, इसीलिए कहा कि प्रकृति शाश्वत है। प्रकृति शाश्वत है ना, हर क्रिया शाश्वत है। तो ये जो शाश्वत क्रिया है ये व्यापक वस्तु में डूबी है, एक ही एक गिरी हुई व्यापक वस्तु जो है, इसको कह रहे हैं स्थिति पूर्ण सत्ता है। तो स्थिति पूर्ण सत्ता और स्थितिशील प्रकृति का सह अस्तित्व, स्थिति पूर्ण सत्ता और स्थितिशील प्रकृति का सह अस्तित्व, इसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं।
अब ये जो सह अस्तित्व में प्रकृति है उसमें स्थिति और गति है, क्योंकि सह अस्तित्व स्वयं में स्थिति है और उसमें विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के रूप गति है। इसी का प्रकटन और प्रकाशन जो है सभी इकाइयों में है, परमाणु से लेकर ग्रह गुण नक्षत्र तारा मंडल तक संजय और सभी प्रकार सभी अवस्थाओं की प्रकृति में इसी का प्रकटन प्रकाशन। क्या योगेश भाई बताइए ठीक ही है भैया आप जो कह रहे हो, मतलब मुद्दा क्या है वो मेरे ध्यान में नहीं है। ये जो स्थिति गति का जो ऐसे जो चल रहा था व्याख्या, हाँ उसी उसी का ही पूरा बात हो रहा है। अच्छा यहाँ पे जो व्याख्या है अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णतया सहित क्रिया और व्याख्या है, क्योंकि प्रत्येक एक स्थिति गति में होना पाया जाता है। स्थिति में क्रिया एवं गति में व्याख्या, स्थिति गति सहित ही सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूरकता या पूरक होना पाया जाता है। प्रत्येक एक अपने स्थिति में क्रिया होना दिखाई पड़ता है। हर क्रिया अपने गति सहित स्थिति एवं स्थिति सहित गति के रूप में होना पाया जाता है। जैसे एक जागृत मानव किसी भी स्थिति में कहीं भी हो स्थिति गति के संयुक्त रूप में होता है। स्वाभाविक है क्योंकि जागृत मानव जो है सह स्थिति का प्रतिरूप है, तो उस रूप में स्थिति गति के साथ ही होगा। यहाँ पे हर मानव का नहीं लिखा है, केवल जागृत मानव का ही लिखा है, क्यों जागृत मानव के अलावा बाकी जो इकाइयां है वो बाकी मतलब मानवेतर भ्रमित मानव में नहीं है, भ्रमित मानव में नहीं, में नहीं है, मानवेतर तो है ही, मानवेतर प्रकृति है अगर तो सही व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी रहती है और मानव में ज्ञान अवस्था में केवल नहीं है, इसको भी समझना पड़ेगा। कैसे इसका क्या मतलब है भ्रमित मानव में नहीं है तो हम ये कहेंगे कि भ्रमित मानव कुछ लोग मानव जो होने के रूप में है उस रूप में उसका रहना नहीं है। भ्रमित मानव का अस्तित्व सहज जो मानव का होना है, भ्रमित मानव का अस्तित्व नहीं, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ यदि हम ये कहते हैं भ्रमित मानव में सह अस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन नहीं है तो फिर ऐसा रहेगा कि अस्तित्व में कोई ऐसी रचनाएं भी होती हैं जिनमें सह अस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन नहीं है। तो फिर दो प्रकार का अस्तित्व हो गया, एक प्रकार का अस्तित्व है जिसमें सह अस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन और एक प्रकार का अस्तित्व हो गया जिसमें सह अस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन नहीं। पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है ऐसा ऐसा कह सकते हैं भ्रमित मानव में सह अस्तित्व पूर्ण रूप से आंशिक रूप से प्रकट लगाओ ताकत लगाओ समय हम लोगों ने भी दो तीन दिन लगाए अच्छा ये बताइए भ्रम होने के अर्थ में है कि मानने के अर्थ में? मानने के अर्थ में, के अर्थ में। तो होने के अर्थ में तो भ्रमित मानव भी सह अस्तित्व में ही, मानने के अर्थ में सारा सारा भ्रम मानने के अर्थ में अनस्तित्व को अस्तित्व मान लेना यही भ्रम है। तो मानने से तो अस्तित्व बदलता नहीं, इसलिए भ्रमित मानव में भी सह अस्तित्व का ही प्रकटन प्रकाश केवल वो माने रहता है कि हम जो वो नहीं है वो अपने को मान ले। भ्रमित मानव में किस रूप में सह अस्तित्व का प्रकटन है? होने के रूप में नहीं, होने के रूप में नहीं, व्याख्या रूप में क्या जागृति के रूप में व्याख्या रूप में जो है भ्रमित मानव में सह अस्तित्व का प्रकटन कैसे है? क्रम के रूप में कोई जो भ्रम है वो अस्तित्व नहीं है ना, भ्रम का अस्तित्व नहीं है तो फिर भ्रमित मानव कैसे हुआ? भ्रमित मानव कैसे हुआ अगर जो है जो वो प्रकटन है वो अस्तित्व सहज ही है तो फिर वो भ्रमित कैसे हुआ? हाँ उसने उसने जो अपने आप को जो जो नहीं है वो मान लिया इसलिए वो भ्रमित हुआ। मतलब मानने के बाद भी जो है उसका प्रकटन है मतलब वो जो जी रहा है व्याख्या तो उसके अस्तित्व सहज ही है ऐसा आपका कहना है? नहीं किंतु जो है वो उसने नहीं माना है
इसलिए जो नहीं है तो वो जो माना हुआ है, इसलिए जो जो माना हुआ है उसका प्रकटन है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वो मतलब है नहीं, वो मतलब जो है मतलब मानने का अस्तित्व है या मतलब मानने का अस्तित्व क्रिया और गति जो है तालमेल में नहीं है, क्रिया और गति जो है उसमें सामंजस्यता नहीं है, है ना, क्रिया और गति में वो जो मानना है, जो मानना है वो क्रिया है ना, मानव तो होने के रूप में ही मानव है, प्रकाशन कहाँ से है, तो मानव के अंदर में वो स्वतंत्रता है ना कि वो जैसा मानता है वैसा हो जाता है, तो वो क्रिया और गति के रूप में सामंजस्य हो गया ना, उसने जैसा माना हुआ है वैसा हो गया वो, लेकिन जो है अस्तित्व सहज जो है होना है वैसा तो नहीं है ना, तो अस्तित्व सहज जिस दिन मान लेगा उस दिन अस्तित्व सहज हो जाएगा, तो आप कहना क्या चाहते हैं ऐसे समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं, जो प्रमित मानव का जो जीना है वो भी बिल्कुल अस्तित्व सहज ही है, होने के जागृति क्रम है, जागृति क्रम में इसमें ये प्रश्न आएगा, अस्तित्व सहज जागृति क्रम है या जागृति क्रम है, जागृति क्रम तो जो है अस्तित्व सहज है, लेकिन भ्रम जो है वो अस्तित्व सहज है क्या, अरे भ्रम का अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व का हां जागृति क्रम है कि नहीं, हां जागृति क्रम है, तो व्हाट इज इट, जागृति क्रम में जो आदमी है वो स्थिति गति के साथ ना हो जाता है, वो जो भ्रम रूप में माना रहता है वो होता नहीं, वही तो पीड़ा है, वो भ्रम तो मानता होता नहीं, तो अधूरा बोल रहा है, लेकिन लाइन में तो लगा हुआ है, मतलब जागृति क्रम तो अस्तित्व सहज है, आपका कहना है कि जागृति क्रम में आदमी भ्रमित हो सकता है, मतलब भ्रम भी जो है अस्तित्व सहज हो गया, जागृति क्रम अगर अस्तित्व सहज है और जागृति क्रम में मानव का जो है भ्रमित होना भी अस्तित्व सहज ही हो गया ना, तो फिर जो है भ्रम का होना जो है वो तो साबित हो गया, भ्रम अस्तित्व सहज ही हो गया ना, अगर जागृति क्रम अस्तित्व सहज है और जागृति क्रम में भ्रमित मानव का भ्रमित होना भी जो है जायज है, तो मतलब भ्रम जो है तो अस्तित्व सहज होता है, सहजता का मतलब होता है निरंतर, नहीं भैया भ्रम की निरंतरता नहीं इसलिए सहज नहीं, जागृति क्रम की तो निरंतरता है ना, अरे कहाँ है भैया निरंतरता होती है, पूर्णता की निरंतरता, अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, तो मतलब हर समय जो है जागृति क्रम बनाई हुआ है, अस्तित्व नहीं बना हुआ है, अस्तित्व में, अस्तित्व में, अस्तित्व में जागृति क्रम बनाई हुआ है, है ना, अस्तित्व में जागृति क्रम बना हुआ है, और जागृति क्रम के दौरान जो है मानव का इस प्रकार से भ्रमित जीना भी जो है जायज है, है ना, मतलब ये जायज मतलब जो है जीता है, जागृति क्रम में आदमी भ्रमित हो सकता है, ये भी जो है इसकी भी निरंतरता हो गई, तो भ्रम तो जो है अस्तित्व सहज हो गया, नहीं मतलब ये तर्क जो है मैं आपको लगा रहा हूँ, अगर जागृति क्रम जो है जागृति क्रम जो है अगर अस्तित्व सहज है और जागृति क्रम में आदमी का जो है इस प्रकार से व्यक्त तो होना क्रम क्या सहज है, बताइए जागृति क्रम, मैं तो भैया को पूछ रही हूँ, क्योंकि भ्रम जो है वो मतलब अस्तित्व सहज है, ये नहीं, पहले अस्तित्व सहज है इसका मतलब क्या है, मतलब नियम से जीना ही अस्तित्व सहज है, मैं ऐसे देख पाती हूँ, और जो ब्रह्म है तो फिर ये बोलिए अस्तित्व सहज नहीं है क्या, क्योंकि ब्रह्म जो है नियम से जीना नहीं, नहीं मैं कह रही हूँ इन्होंने जैसे कहा ब्रह्म जो है वो जागृति क्रम, मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जागृति क्रम जो है वो अस्तित्व का जो क्रम है ना, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति उसका हिस्सा है ना, निरंतर है ही बनाई हुआ है अस्तित्व में, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, और जागृति क्रम के दौरान आदमी जो है इस प्रकार अभी जिस प्रकार से आचरण कर रहा है वैसा आचरण भी जो है पर भैया जो भ्रमित है ना, मैं इसको ऐसे देख पाती हूँ क्योंकि अभी परंपरा नहीं है, अरे ऐसा कहाँ कह रहे हैं, अभी तो जो है भ्रमित क्यों है वो है, वो आप एक धरती की बात कर रहे हो, जब पूरे अस्तित्व की बात हो रही है कि भ्रम अस्तित्व सहज है कि नहीं, मतलब मुझे तो लगता है अस्तित्व सहज तो नहीं है,
क्योंकि कोई भी एक्चुअली अगर मैं अपने से पूछूं या कोई भी मानव पूछे तो मैं कोई भी मानव भ्रमित रहना मतलब जो नेचुरल है मतलब ब्रह्म की स्वीकृति नहीं रहती हाँ वो अस्वीकार होता है हाँ वो स्वीकार नहीं होता है स्वीकार हो जाता तो और कोई भ्रमित रहना चाहता नहीं है दिशा नहीं बन पाती उसमें तृप्त हो जाती है तो वो बात तर्क यहाँ पे आता है कि उसकी स्वीकृति नहीं है उसकी निरंतरता नहीं दोनों ही बात आती है वो मुझे लग रहा है ऐसा पूछ रहे हैं अपन चलो पहले अस्तित्व छोड़ देते हैं भ्रमित मानव सहज है या असहज है असहज है ना तो आप ये बोलिए कि भ्रमित मानव अस्तित्व असहज है भ्रमित मानव अस्तित्व असहज है अस्तित्व को स्वीकार नहीं जागृति क्रम सहज है उसको अपनी असहजता भी स्वीकार नहीं है भ्रमित मानव किसी अज्ञानी आदमी को अज्ञान स्वीकार है नहीं अज्ञान स्वीकार तो नहीं है इसलिए वो अस्तित्व असहज है ऐसा बोल भाषा तो यही है ये मुझे जो है पहले भी इसका लॉजिक किया तो हमने भी लॉजिक नहीं मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल एकदम जो है स्वीकार है कि किसी को अज्ञान स्वीकार नहीं है भ्रम स्वीकार नहीं है लेकिन अगर जागृति क्रम जो है अस्तित्व का जो है उसका हिस्सा है और जागृति क्रम में जो है इस प्रकार का होना मानव का जो है भ्रमित रहकर जीना अगर वो जो है उससे जुड़ा हुआ है तो फिर भ्रम भी जो है अस्तित्व सहज हो गया ऐसा जो है यह बनता है लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ भैया है ना पहले भी शायद जो है बात हुई थी कि यहाँ बाबा जी जो अस्तित्व जागृति क्रम की बात कर रहे हैं वो जागृत परंपरा में विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति मतलब जागृत परंपरा में जो है भ्रम तो होगा नहीं लेकिन पैदा होने वाला हर संतान अजागृत होगा और जो है वो जागृत माहौल वातावरण में जागृति क्रम में होगा वहां भ्रम नाम की चीज नहीं होगी जागृत परंपरा में लेकिन अजागृति होगी पैदा होने वाला हर संतान अजागृत होगा और जागृति क्रम में होगा जागृत वातावरण मिलने से वो जागृत होगा और जागृत का मतलब ही वही हुआ भ्रमित अजागृत और भ्रमित अलग चीज क्या फर्क है पैदा हुआ बच्चा जो है अपने जागृति को प्रमाणित पैदा हुआ बच्चा मतलब अनुभव संपन्न है नहीं 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 पैदा हुआ बच्चा अनुभव संपन्न कैसे नहीं नहीं सुन तो उसके पास समाधान नहीं है तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो कोई अधिमूल्यन अवमूल्यन में नहीं जिएगा केवल जो चीज जैसी है उसको नहीं पता है ना लेकिन जो है अधिमूल्यन नहीं करेगा हमको अधिमूल्य अवमूल्यन तो जो है ये यहाँ से परंपरा से मिला है जागृत नहीं होगा तब तक क्या करेगा अरे वो जागृत होते ही जो है मतलब पैदा होते ही उसको जागृति की सूचना मिलेगी जो जैसा है वैसी ही सूचना मिलेगी जब तक जागृत नहीं होगा अरे तब तक जागृति क्रम में होगा लेकिन भ्रमित नहीं होगा तो जागृति क्रम में होगा वो भ्रमित रहेगा ना मैं इसको अलग देखता हूँ मैं इसको अलग बहुत अच्छी परिभाषा है मैं परिभाषा पढ़ू बाबा की ये देखो जीवन जागृति क्रम क्या लिखा है इसे स्पष्ट हो जाएगा आई होप देखो अमानवीयता से मानवीयता मानव से देव मानव से दिव्य मानवीयता की ओर गति तो अब अमानवीयता से मानवीयता फिर मानव से देव मानव फिर देव मानव से दिव्य मानवीयता की ओर गति ये है पूरा जागृति क्रम अमानवीयता क्या है तो भ्रमित मानव हुआ लेकिन हम वही कह रही हूँ कि हमारा फाइनली दिव्य मानवीयता तक जाना है ना हमें कोई जो है चर्चा नहीं है ये तो केवल जो है जागृति क्रम में अमानवीयता है भ्रमित उसी पे चर्चा होगी एक्चुअली दिव्य मानव जब बोल रहे तब जागृति पूर्णता है जागृति नहीं है जागृति की जब बात कर रहे तब वो और बात समझ में आ रहा जागृति क्रम जागृति और पूर्णता तीनों अलग चीज है हाँ जागृति क्रम और जागृति ये दोनों अलग चीज है और जागृति और जागृति पूर्णता ज्ञान अवस्था में जिसकी निरंतरता है वो जागृति है ना
जिसकी निरंतरता नहीं है उसको कह रहे हैं अजागृति या अमानवीयता, या जिसको अपन कह रहे हैं और भैया जागृति पूर्णता किसे कहते हैं? उसकी निरंतरता, जागृति के बाद जागृति की निरंतरता, निरंतरता के अर्थ में उपस्थित है। दूसरी बात है कि निरंतरता के साथ जागृत मानव ही अस्तित्व से है, बाकी असहजता है। ये जो असहजता है उसका कारण भ्रम है। भ्रम का मतलब क्या है कि जो जैसा है उससे भिन्न मान लिया। जैसे जीवन ने शरीर को स्वयं मान लिया, उसके आधार पे भ्रम है, जो सारा भ्रम है। उसी मान्यता के आधार पे जो चित्रण है, जिसको जिसको अपन भ्रमित चित्रण, भ्रमित चित्रण कह रहे हैं ना, वो मान्यता के आधार, मान्यता गई तो चित्रण गया, तो इसलिए वो चित्रण का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उस चित्रण के आधार पे जो मानव के जीने का प्रयास है वो भी अस्तित्व सहज नहीं, इसीलिए पीड़ा है, दुख है। अस्तित्व सहज होता तो उसमें सुख होता। ये भी जो कह रहे हैं, जो भ्रमित मान्यता बस है, भ्रमित मान्यता की शुरुआत जो है ना, भ्रमित मान्यता का मूल है खुद को शरीर मान लेना। जागृत परंपरा में पैदा होने वाले हर बच्चे को, हर मानव संतान को जन्म से ही ये तो सूचना मिलेगी कि आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवन हो। ये यहाँ पे उसको वहीं से जो है, जहाँ मूल है वहीं से उसको वैसी सूचना। विशेष परिभाषा है ना जागृति क्रम के साथ, मतलब जागृति परंपरा की बात करें, ऐसा नहीं अस्तित्व ऐसा अस्तित्व जो कह रहे हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये परंपरा की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है। यहाँ पे परंपरा की बात नहीं है, यहाँ पे तो सीधी सीधी इतनी ही बात है, कहीं पर भी वो परंपरा का शब्द यूज नहीं है। नहीं बाबा जी, ये जो कह रहे हैं वो ये स्टेटमेंट जो है वो अनुभव मूलक स्टेटमेंट है बाबा जी का, कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति अनुभव मूलक है, या किस प्रकार का स्टेटमेंट? अनुभव मूलक है बस, तो अनुभव मूलक है तो ये जागृत परंपरा का स्टेटमेंट है, जागृति के आधार पर ही है। नहीं, परंपरा का स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, उनकी उनका एक जागृत मानव जो है अनुभव अनुभव मूलक है। अभी जैसे अनुभव मूलक आदमी जो है वो अजागृति की समीक्षा भी कर रहा है ना, मतलब ये अजागृति की समीक्षाएं कर रहा है ना, बहुत सारी अजागृति की समीक्षाएं है जो है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो परंपरा परंपरा में है, तो फिर अगर परंपरा ही की वो अगर केवल परंपरा ही देख रहा है तो वो अजागृति की समीक्षाएं क्यों करेगा? मतलब आपका कहना है कि इसमें दोनों संभावनाओं के साथ बाबा जी ने नहीं, रखा है। तो अभी अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है। तो क्या ये वास्तविकता के रूप में हम वो जो जागृति क्रम को या वहाँ पे अजागृत मानवों को हम वास्तविकता के रूप में मान रहे हैं? ऐसा रहता है, अजागृत हो सकता है? नहीं नहीं, होता नहीं, मतलब होता ही है, लिखा तो है हर जगह है। सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है, मतलब हाँ, हाँ। आप जो कह रहे थे वो कि सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है, मतलब वहाँ पे अजागृत लोग भी है, अजागृत को है। में कहेंगे ये तो बताया अमानवीय, तो सीधा जो है कि पशु मानव राक्षस मानव जो है उसको भी कैसे? हाँ, जागृति क्रम में है, जागृति क्रम भी है और जागृति भी है। अभी ये जो दूसरी जो व्याख्या जो कर रहे हैं, जो अपने जो कर रहे हैं, जो अभी जो पाठक भैया दूसरा जो प्रश्न कर रहे थे, वो उसको मेरे को लग रहा है कि अलग क्या था, ठीक से प्रश्न वो आपका प्रश्न था कि उत्तर था? नहीं, आपने जो प्रश्न किया था ना उसका जो उत्तर था ना, नहीं नहीं पाठक भैया का तो उत्तर पहले पहले जो किया था, ऐसा जो भ्रमित जो है अजागृत जो है क्या वो अस्तित्व सहज है क्या? तो वो वैसे देखना वो बराबर है कि वो अस्तित्व सहज नहीं है, इसलिए जागृति क्रम है। नहीं तो अगर वो होता ही नहीं
अगर अस्तित्व सहज होता है जागृत होना तो जागृति क्रम होता ही नहीं, फिर इसको ऐसे देख सकते हैं। जागृति क्रम तो होता ना भैया, जागृत परंपरा में पैदा होने वाला हर बच्चा जागृत नहीं होता। एक बार परंपरा को भूल जाओ, नहीं उसी की एक अल्टीमेटली जो है, एक मिनट, जागृति क्रम की दूसरी परिभाषा दी है जो उन्होंने पढ़ी, दूसरी परिभाषा जो नहीं पढ़ी उसमें लिखा है ग्रंथ ज्ञान अवस्था से भ्रांत ज्ञान अवस्था, भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था से निर्भ्रांत ज्ञान अवस्था का विकास, ये विकास है। और जागृति पूर्णता की जो परिभाषा इसमें लिखा है क्रिया पूर्णता सहित आचरण पूर्णता दृष्टा पद जागृति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी गति का गंतव्य सजगता सहजता, ये जागृति पूर्णता है। तो क्रम और जागृति या जागृति पूर्णता के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है। तो ये जो कहना कि अस्तित्व सहज है या असहज है ना, उसका मतलब मूल आधार के अस्तित्व में जागृति क्रम बना रहेगा या जागृति क्रम नहीं रहेगा, जो आप जो बोल रहे हो, तो जागृति क्रम तो बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। अच्छा, जागृति क्रम बना रहेगा मतलब भ्रांत ज्ञान अवस्था का मानव भी अस्तित्व में बना रहेगा, है ना? अगर जागृति क्रम बना है तो भ्रांत ज्ञान अवस्था का मानव भी बना रहेगा ना, हम कोई धरती के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे, किसी भी धरती में। तो फिर ऐसा ही शब्द तो आया ना, जागृति क्रम पे स्टॉप हो गया, उसकी निरंतरता हो गई जागृति क्रम की, फिर जागृति या जागृति पूर्णता नहीं है, जागृति क्रम की भी निरंतरता है। वही तो बोल रहे हैं, निरंतरता मतलब जागृति क्रम कहीं पे भी कोई भी धरती पे विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता, ये स्थिति है। वो एक वैलिड क्वेश्चन है आपका, कोई ये धरती की बात नहीं कर रहा है, मैं धरती की बात करता हूँ, पूरी अस्तित्व की बात है। मुझे लगता है ये धरती के संदर्भ की बात है, अस्तित्व की भी बात करें तो अस्तित्व में कोई भी धरती पे ही क्रम होगा ना। हां हां, अगर आप धरती को विकास का एक मान, मतलब एक धरती की बात नहीं हो रही ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, किसी भी धरती पे इसी क्रम से होगा या एकदम से जागृति क्रम होगी, ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो जागृति क्रम में क्या कोई धरती बनी रहेगी अक्षुण्ण, सीधा सवाल ये। तो फिर वही है ना, मुझे जो लगता है ना जो कि ये जो है विकास क्रम विकास किसी धरती के संदर्भ की बात है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और धरती पर जो है जागृति क्रम बना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, उसकी निरंतरता नहीं हो सकती, क्योंकि जागृति क्रम में निरंतरता जागृति की, हाँ, क्योंकि जागृति क्रम में मानव रहेगा तो भ्रमित रहेगा या भ्रांत रहेगा, उसमें वो अगर भ्रमित है तो वो प्रकृति के साथ या चारों वस्तुओं से निर्वाह नहीं करता तो धरती अक्षुण्ण कैसे बनी रहेगी, प्रश्न ये है, नहीं बनी रह सकती, तो अभी भी दिखता है, मतलब जागृति अनिवार्य है, इसीलिए ब्रह्म की निरंतरता नहीं हो सकती, इसीलिए ब्रह्म का अस्तित्व भी नहीं है, और ब्रह्म का अस्तित्व है मतलब ब्रह्म तो वस्तु भी नहीं, नहीं ब्रह्म तो है ही नहीं, ब्रह्म वस्तु रूप में है नहीं, तो उसकी ना निरंतरता है ना क्षणभर, बिल्कुल क्षणभर के लिए भी अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ही नहीं, वो तो मानी हुई चीज है, जैसे जैसे छाया है, छाया का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, है ना, एक क्षण के लिए भी नहीं, नहीं है। अगर उसका अस्तित्व होता तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म होता, छाया का कोई रूप गुण स्वभाव धर्म, जो भी वस्तु है हर वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म, तो वैसे ही भ्रम का भी रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, यदि भ्रम कोई वस्तु होता, भ्रम का अस्तित्व मानेंगे तो माया का अस्तित्व है, फिर माया एक खतरनाक चीज है जो अपने पास में सभी को, नहीं उसका गुण है ना मान्यता सहित, किसका, उसकी वो जो भ्रमित है, भ्रम का नहीं, भ्रमित मानव का, हाँ भ्रमित मानव का, नहीं भ्रमित मानव को जब आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो भ्रम है उसको ही भ्रमित बोल रहे हो ना, नहीं हाँ, जो भ्रम है, जिसका भ्रम नहीं है वो तो भ्रमित नहीं है, तो फिर तो वो जागृत हो गया, ठीक है, तो भ्रमित का अस्तित्व है, जो भ्रमित का अस्तित्व है तो भ्रम का अस्तित्व है, नहीं मानव तो यदि मूल्य ना मूल्य उसमें जीता ही है ना, अधिमूल्य नवमूल्य निर्मूल, वो बात अलग है, आप दूसरे टॉपिक पे चले, ये वही तो ब्रह्म है, अधिमूल्य नवमूल्य निर्मूल, तो ये तो जागृति क्रम है, उसी को तो ब्रह्म कहा है, ये तो जागृति क्रम है, भाई कैसे जी रहा है उसी को तो जागृति क्रम है, मानव परंपरा जीते हुए ही तो ये सब हाल किया है, नहीं अगर उसके अस्तित्व को नहीं मानेंगे, किसके किसके अस्तित्व को, ये ब्रह्म के, ब्रह्म के अस्तित्व को नहीं, भ्रमित मानव की बात, जागृत मानव और भ्रमित मानव का शरीर होता है नहीं होता है एक जैसा, वहाँ तक कोई भ्रम नहीं,
दोनों में जीवन होता है कि नहीं होता है? होता है। जीवन में जितना क्रिया भ्रमित मानव में होता है उतना क्रिया उसमें भी रहता है। होता है। एक में क्रिया की पहचान 4.5 तक है, एक में 10 तक है। इतना ही तो अंतर है, पहचान का ही अंतर है, पहचान है ना। तो होने के अर्थ में तो भ्रमित और जागृत मानव एक जैसा ही होने के अर्थ में है ना। अब क्योंकि वो पूरी क्रिया को नहीं पहचान पा रहा है, क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि उसमें भ्रम है, क्योंकि वो जो 5.5 क्रिया है उस तरफ देख ही नहीं रहा है। आपने बोला अभी वो शरीर को ही देख रहा है ना, इसी के कारण से जीव चेतना बसी तो भ्रम है सारा है ना। मतलब भ्रम है। अरे भैया भाषा यही बनेगी बोलने में, मतलब भ्रम है। भ्रम का मतलब है कि एक मान्यता है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व मान लेना, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, मतलब उसे कम मान लेना ज्यादा मान लेना, हां उसको ही भ्रम कहा है। भ्रम के मूल में भ्रमित परंपरा है, भ्रम के मूल में भ्रमित परंपरा, अव्याप्ति जागृत परंपरा दोष है भैया, वो जो भी है लेकिन उसके मूल में तो भ्रमित परंपरा है ना। भ्रमित परंपरा से जो है मूल में ये तीनों है, तीनों भ्रम यानी परंपरा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। भ्रमित परंपरा की बात अभी मतलब भ्रम परंपरा जब कहते हैं तो इसकी निरंतरता है उसी की परंपरा। ये कह रहा हूँ कि अभी भ्रमित प्रचलित में जो जिसको परंपरा कह रहे हैं, परंपरा यहाँ पे तो फिर जागृत परंपरा की बात कर रहे हैं, तो जागृत परंपरा में फिर भ्रम आएगा कैसे? पैदा होने वाले हर बच्चे को पैदा होते ही जो है आप शरीर नहीं हो, है ना, जीवन और शरीर दोनों को जो सही सही है वही सूचना प्राप्त होगी। भ्रमित होने का वहाँ जो है मूल ही नहीं बनता, तो एक जब ये भी कहते हैं जागृत परंपरा में प्रश्न पे बात कर क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? पहला ऐसे एक बिंदु करते हैं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज पहले ये बताइए, पहले भ्रम का अस्तित्व है नहीं है पहले इस पे बात करते हैं, नहीं ठीक है इस पे तो नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, है भ्रम का अस्तित्व तो है, कैसे है कैसे है? और भ्रम किसको कहते हैं? जो 4.5 क्रिया में जीता है उसको हम बताते हैं कि वो भ्रमित है, सब मान तो भ्रम है तो भ्रमित है ना। अब प्रश्न है कि भ्रम क्या है? हाँ जो शरीर को मानता है सब नहीं, भ्रम का मतलब है वस्तु जैसी है वैसा नहीं समझना, उससे ज्यादा मान लेना या उससे कम मान लेना, या वस्तु नहीं है उसको वस्तु मान लेना, ठीक है। अब हमने जो ज्यादा मान लिया उसका अस्तित्व है, है? नहीं, नहीं है। वस्तु नहीं है उसको वस्तु मान लिया उसका अस्तित्व नहीं, नहीं है। और वस्तु जितनी है उससे कम मान लिया तो भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो पूरे ही होता है। पहले इस जगह पे आना पड़ेगा कि भ्रम का अस्तित्व है नहीं, फिर दूसरा है भ्रम वस्तु है या वस्तु नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो वस्तु भी नहीं है, क्योंकि वस्तु होता तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, वस्तु अपने त्वा सहित व्यवस्था के रूप में वस्तु है ना, जिसको अपन वास्तविकता कहते हैं। वस्तु है ना जिससे वास्तविकता का प्रकाशन होता है, भ्रम वस्तु ही नहीं है तो इसलिए उसमें कोई वास्तविकता का प्रकाशन होता नहीं। लेकिन मानव जो उसको ऐसा अधिमूल्यन अवमूल्यन करता है वो क्या है? किसको? मानव ने जो उसको पहचाना है जैसा है वैसा नहीं पहचाना है, तो उस स्थिति में किसको पहचाना? वस्तु को, वस्तु को पहचाना है ना, नहीं पहचाना, को पहचाना वस्तु को नहीं, का कोई पहचान नहीं होता। हाँ मेरे लगता है ये दोनों को मिला के देखना है ना, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग देखा जा सकता है। एक जो कह रहे हैं अस्तित्व सह अस्तित्व जागृति क्रम जागृत विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, ये एक एक पूर्णता का अनुभव मूलक ये व्याख्या है। नहीं नहीं पहले अपन दूसरा पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपके ही बात में बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों को जो मिला के है ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक जो वस्तु स्थिति है सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास, सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति, एक ये है। दूसरा भ्रम का अस्तित्व नहीं है या अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, अंधेरा छाया है मृत्यु का, मृत्यु का तो वो एक एक भाग और एक ये भाग, ये दोनों को मिलाने से मृत्यु का अस्तित्व कंफ्यूजन है। वो ऐसा क्या है? मृत्यु नाम की घटना तो है, ऐसा लिखा हुआ है मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा क्या है? मृत्यु को हम जो मानते हैं उस रूप में मृत्यु नहीं है,
हमने मृत्यु को कुछ का कुछ मान रखा है, शरीर का नाश होना उस घटना को मृत्यु बोलते हैं। हमारा मृत्यु हमारी जो है मृत्यु किसको कहते हैं? शरीर की विरचना को, शरीर की विरचना को मृत्यु कहते हैं, उसको तो विरचना कहते हैं। रचना की शरीर का नष्ट हो जाना, शरीर का खत्म हो जाना। खत्म कहां होता है? शरीर तो खत्म हो गया ना, अब शरीर कहाँ रहा? लेकिन आप शरीर हो ही नहीं ना, शरीर की बात कर रहे हो और आप जीवन की बात कर रहे हो। ये शरीर की बात कर रहे हो, आप जीवन की बात कर रहे हो। जो लिखा हुआ है वो शरीर के नशोरत में जो हमने हमारा जो है खत्म होना मान लिया। भूमि की अपारदर्शकता वश अंधकार का तथा देहात्मवादी कल्पना वश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है, वैसा ही भ्रम वश क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम है। यही भ्रम जो आप मैंने वो बोला यही भ्रम है। स्वयं को शरीर का मूल रूप जो है खुद को शरीर मान लेना, इसका मतलब मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। जिसको मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। क्लेश भी नहीं, क्लेश का भी क्लेश का भी अस्तित्व मृत्यु का कहीं दिया है परिभाषा? मृत्यु का भी अस्तित्व नहीं, इसमें तो बोल ही रहा है कि आत्मवादी कल्पना वश अज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है। चैतन्य क्रिया अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प के प्रसारण और ग्रहण क्षमता का शरीर में न होना मृत्यु। चैतन्य क्रिया अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प के प्रसारण और ग्रहण क्षमता का शरीर में न होना, जिसमें मतलब कि आशा विचार इच्छा संकल्प का प्रसारण और ग्रहण क्षमता का शरीर में ना हो। शरीर में थोड़ी ही आशा विचार इच्छा, जीवन में, जीवन में प्रसारण नहीं हो रहा है, प्रसारण नहीं हो रहा है। हाँ मतलब वही वही निर्भ्रमता योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है। यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं, यहाँ पे बिंदु है था क्या है कि नहीं, वहाँ पे मान्यता क्या? अब हर मानव अनुभव संपन्न तो है नहीं, तो भ्रम है उस हिसाब से सिंपल। क्या अच्छा एक भ्रम का उदाहरण दीजिए, ये भ्रम है जागृति क्रम जो रहा वो उदाहरण बताइए। जैसे मान लो ये बोतल है, कोई कहे ये सांप है, उसको भ्रमित भ्रम हो गया कहे ये सांप है, तो क्या इससे दो सकता सांप है? भाषा रूप में तो हो ही सकता है, भाषा रूप में तो भाषा थोड़ी वस्तु है, वस्तु तो भाषा को इंगित, भाषा को इंगित सत्य भाष जाए उसके लिए भाषा है। अगर सत्य भाष जाए तो भ्रम कैसे भाषेगा? सत्य तो है जागृति क्रम और भ्रमित को अगर समानांतर शब्द न माने उलझोल हो जाती है। ये दोनों को समानांतर मानने से ही समस्या है, जागृति क्रम और भ्रमित को। उसको जागृति जागृति क्रम होना यानी कि भ्रमित नहीं हुआ पहले, जब तक आप लोग इसमें नहीं आएंगे ना कि भ्रम का अस्तित्व नहीं, ये स्पष्ट है आगे, ये स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है, उनको स्पष्ट नहीं नहीं उनको लगता है भ्रम का अस्तित्व है। इस हिसाब से ऐसा हुआ, ऐसा मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं घोषणा नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न इसलिए कर रहे हो कि अभी स्पष्टता नहीं है इसलिए प्रश्न कर रहे हैं ना, स्पष्टता होती तो आप क्यों प्रश्न कर रहे? तो जैसे मिराज होता है जिसको अपन मृग जल मरीचिका मतलब वहां पे जल का अस्तित्व नहीं है,
लेकिन उसको भ्रम हो जाता है कि जल है वो, जल जैसे दिखाई देता है, जल जैसे दिखाई देता है, जल जैसे गर्मी की वजह से इल्यूजन होता है। जैसे हम लोग इल्यूजन डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, उनको देखने से लगता है घूम रहा है, अब वहाँ कुछ नहीं घूम रहा है, इल्यूजन होता है, अस्तित्व नहीं, वो तो स्थिर है, वो जो डायग्राम है स्थिर है, लेकिन आँख और उन कोणों के कॉम्बिनेशन में ऐसा भ्रम होता है कि वो जो सर्किल है घूम रहे, इल्यूजन डायग्राम देखे ना आप, ऐसा होता है जैसे रात को निकले, जैसे रात में सांप दिखता है, रस्सी को सांप, कई बार ऐसा लगता है कि कोई पेड़ में भूत बैठा है, पास में जाके देखते हैं तो कोई मानव आकृति जैसा कुछ होता है, मना भी दिखा देता है, उसके आधार पे कल्पनाशीलता बस हमको कोई एक भूत जैसा दिखने लगता है, वो उसको जब देखने जाते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं मिलता है ना, शरीर होता है तो भ्रम होता है, जीवन तो शरीर के साथ है भैया, लेकिन अगर मतलब मेरे को है ना इसमें ही एक क्वेश्चन है, एक एक मिनट पूरा हो जान दीजिए, हां उनका शरीर होता है तो भ्रम होता है ऐसा नहीं है, शरीर का अस्तित्व है, जीवन का भी अस्तित्व है, जीवन अपने को शरीर मान लेता है ये भ्रम होता है, जब जीवन अपने को जीवन मानता है और शरीर को शरीर मानता है उस स्थिति में भ्रम मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसे ये निष्कर्ष निकला जो अभी उदाहरण दिया कि भ्रम का अस्तित्व नहीं होता, भ्रम एक मान्यता है, लेकिन वो मान्यता भी तो है ना, अरे फिर है मान्यता अस्तित्व में जो भी कुछ है वो रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है, मान्यता का रूप क्या है बताइए, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, अस्तित्व में पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था है, चार रूपों में अस्तित्व है जिसको है कह रहे हैं अपन, है ना, ठीक है, इन सब का रूप गुण स्वभाव धर्म है इसलिए इनका अस्तित्व है, मान्यता का क्या है, लेकिन ये क्लियरली किताबों में भी तो आया है पूरा, राक्षस मानव का पशु मानव का वो एक एक चीज पूरी डिस्क्राइब भी कर दी है ना कि ऐसा ऐसा वो जीता है, है ना, तो फिर वो जी रहा है ना उस तरह से, तो वो भी तो भले मान्यता वश लेकिन जी तो रहा है, उसका एक एक लक्षण बताया है पूरा, तो फिर तो उसका भी नहीं मतलब अस्तित्व ये जो है मतलब मुझे भी इसका क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि व्यक्ति उस मान्यता वश तो जी रहा है, तो उसका भी तो जी रहा है बोलेंगे, नहीं जी नहीं जी पा रहा है या जी रहा है, नहीं अभी है मतलब नहीं मान्यता वश जीता है, जीता हुआ दिखता है, उसमें तृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा है ना, पर जी तो रहे ना, नहीं जी रहा है, जी रहा है, मतलब यहाँ जीना किसको कह रहे हैं, बाबा मतलब जिंदा है, चल रहा है उसका, उसको बोले जी रहा है, हाँ उसको अभी जो है प्रचलित दिख रहा है तो जी रहा है, शरीर का अस्तित्व है इसलिए शरीर चल रहा है, शरीर में जो भी क्रियाकलाप है वो चल रहा है, शरीर भ्रमित होता है, शरीर तो भ्रमित होता है, जीवन भ्रमित तो शरीर भ्रमित ही होता तो दिखेगा नहीं, उसमें थोड़ी उनका उनका उनकी मान्यता जो है वो खुद भ्रमित है ना, उसमें शरीर थोड़ी भ्रमित अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं, अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं, भ्रमित कौन होता है, मान्यता होती है, जीवन होता है, जीवन ही भ्रमित होता है ना, आप तो कह रहे मान्यता भ्रमित होता है, जीवन खुद भ्रमित होता है लेकिन वो क्यों भ्रमित है, मान्यता वशी तो भ्रमित है ना, जो भ्रम को सही मान लेता है इसको मान्यता कहते हैं, जो जैसा नहीं है वैसा मान, अब भैया एक दो पांच मिनट में जो है हाँ, अभी हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, समझने के लिए, समझ के क्या करेंगे, समझ के होगा क्या, मतलब अभी जो स्थिति वो हमको स्वीकार्य नहीं है, है ना, अभी जो स्थिति स्वीकार्य नहीं है, है ना, मतलब हम जो है इस स्थिति से आगे जाना चाहते हैं, मतलब जिसको हम जागृति कह रहे हैं, है ना, अब जागृति की स्थिति में, है ना, एक बार जागृति की स्थिति में पहुंच जाने के बाद ये अभी जो राक्षस मानव ये जो दिख रहा है वो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, फिर और जागृति की स्थिति में पहुंच जाने के बाद हम उससे मतलब फिर क्या करेंगे, वही बने रहेंगे ना, जागृति को बनाए रखेंगे और उसकी निरंतरता को बनाए रखेंगे, फिर वहाँ जो है भ्रम कहाँ चला, मतलब ये लोग कहाँ जाएंगे, भ्रमित मानव जिसको कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, है ना, तो ये अभी टेम्पररी फेज है,
विक्रम है, मतलब टेम्पररी फेज है, टेम्पररी फेज है, जागृति परंपरा के बाद वो ही बना रहेगा। नहीं मतलब वहाँ फिर जो है ये राक्षस मानव जो है ये पशु मानव नहीं रहे। क्वेश्चन 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 अच्छा बन रहा है कि भ्रमित आप बोल रहे हो, ठीक है, क्या भ्रमित मानव है तो अब भ्रमित को भ्रमित क्यों है, तो क्या भ्रम है, तो भ्रम है तो क्यों भ्रम है, क्योंकि जो जैसा है उससे अलग मान रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो हुआ ना भ्रम है, नहीं हुआ लेकिन भ्रम तो बना ही रहेगा, भ्रम बना ही रहने वाला है, तो फिर हमको ये जो है प्रयास करने का क्या मतलब, जैसे मैंने ऐसा 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 किया, गणपति जी बैठे हुए, हमने ऐसा गणपति जी यहाँ विराजमान है, ठीक है, अब ये एक भ्रम है, मुझे भी भ्रम है और आपने मान लिया कि हाँ गणपति जी बैठे हुए, आपने सब मान लिया, अब ये जो है ये कहेंगे कि हमको बताओ कहाँ है गणपति जी, आप बता पाओगे, मैं बता पाऊंगा, किंतु इसको और एक तरीके से देखते हैं, नहीं पहले एक मिनट ये तो देख ले, गणपति तो देख ले पहले, आप इसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे पर ये भी देखें ना, ये जो है अलग ये एक मान्यता है, आप भी दिखा दो, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, हमने मान लिया, नहीं किंतु पूरा तो करने दीजिए, इसका उत्तर एक है ना ऐसे हो जाएगा, इसका उत्तर पूरा कर लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे का कर लेंगे, अपने आगे की और बात करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर जरूरत पैदा हो जाए, अरे हमको भी वो पूरा समझना है, फिर आप वाला वर्जन भी देखिए, ठीक है, अब कहेंगे चलो गणपति जी हैं तो उसका अध्ययन कराइए, बताइए उनका रूप क्या है, उनका लंबाई कितना, रूप है तो उसका लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना, है ना, आयतन कितना, घनत्व कितना, आपने जैसे बताया वैसे बता दिया, है ना, ठीक है ना, देखो अभी कैसे है भाई, अभी अभी जीवन को हम समझ रहे उस हिसाब से तो नहीं समझ रहे, नहीं देख पा रहे, अरे आप सुन जीवन है उसकी स्पष्टता अभी कहां, देखो क्यों स्वयं में चयन आशा, अभी हम तो भैया थक गए, अभी हम लोग यहाँ पे हैं या नहीं है? अभी सब हम लोग हैं, हम लोग अजागृत हैं या जागृत हैं, जागृति के क्रम में, जागृति क्रम यानी कि जागृत नहीं है, नहीं जागृति के क्रम में, जागृति क्रम में है यानी कि जागृत नहीं है, जागृति के क्रम में, जागृति के क्रम में मतलब जागृति पूर्णता नहीं हुई ना, यानी कि अभी भी कुछ, वो कुछ, अलग बात, कुछ कुछ भ्रम है या कुछ स्थिति है, इसलिए तो ना जागृति क्रम में है, अगर वो हो जाती तो जागृत हो जाते, तो हम है जागृति क्रम में है, यानी कि जो कुछ भ्रम के साथ में है उसका भी अस्तित्व है, तो सामने इधर बैठे ही हैं हम भ्रम के साथ में, नहीं नहीं हम भ्रमित मानवों का, भ्रमित मानवों का, अजागृत मानवों का, जागृति क्रम मानवों का अस्तित्व है, तो ये भी है कि मानव का अस्तित्व है, नहीं मानव में जो भ्रम है उसका अस्तित्व नहीं, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं जो भ्रम है ना वो हट जाए इसलिए बैठे, उसके लिए बैठे हैं कि तो अभी तो है शरीर है ना, इसलिए हट जाए, हट जाए मतलब सबका शरीर है, सबका शरीर है, इसका अस्तित्व है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रूप सब है, सब है, सबका जीवन है, उसका अध्ययन है, आशा विचार आशा विचार उसका अध्ययन, इसलिए उनका होना सिद्ध होता है, और ये जो दोनों चीजें हैं इसमें कुछ और मान लिया उसने, अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, अध्ययन करने में पता लगता वो है ही नहीं, इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए कहा कि ब्रह्म का अस्तित्व नहीं, जैसे जैसे हम उसमें कल्पनाशीलता है, अभी जो ब्रह्म है आप कह रहे हो ना कि हमारे को कल्पनाशीलता है, ये फिर भाषा नहीं बनती, अरे ये तो पूरा कर लो भैया, कल्पनाशीलता है फिर ये भाषा नहीं बनती, पूरा कर लो, एक पूरा कर, एक पूरा, अब कल्पनाशीलता है आपने बोल दिया, कल्पनाशीलता नहीं इससे पहले बोल रहा, उसको पूरा कर लेते हैं, इसको बाद में ले लेंगे, आपका भी ले लेंगे, कल्पनाशीलता वाला भी ले लेंगे, ये आपका ही भ्रम चल रहा है, पता है आपका कल्पनाशीलता पे चल गया, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो मिला के देखने वाला है ना, क्योंकि
जब बाबा जी भी क्लियरली कह रहे हैं कि अस्तित्व में अस्तित्व है सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है, यानी कि जो जागृति क्रम है, जागृति क्रम में जीने वाले लोगों का अस्तित्व है, जागृति क्रम में है मतलब, यानी कि भ्रम में है, अभी भ्रम पूरे नहीं हुए। अस्तित्व का मतलब क्या, भ्रम पूरे नहीं हुए मतलब क्या है? भ्रम है तो सही, पूरे नहीं हुए। भैया सुनो भैया, जो हम कहते हैं अस्तित्व यानी है, है हाँ। ठीक है, तो दो ही अस्तित्व हैं, एक है जिसको हम कह रहे हैं कि जो ब्रह्म वस्तु है, और दूसरा जो क्रिया वस्तु है, प्रकृति जिसको कह रहे हैं। दो का प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। ब्रह्म वस्तु का अध्ययन प्रकृति में ही होता है, जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में अध्ययन का मोह है ना। अब ब्रह्म वस्तु क्या है, ब्रह्म वस्तु क्या है, ना प्रकृति है ना ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे विचार है, ब्रह्म की समीक्षा होती है, और जो तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रम है तो सही। अब एक मिनट, अब आप कहते हो उस हिसाब से ऐसा बन, एक मिनट नहीं है, उसको मान लिया, आप कह रहे हैं कि भ्रमित मानव समीक्षा हो रही है, भ्रमित मानव यानी कि जागृति क्रम में मानव, भ्रमित मानव मान लेते हैं तो मानना है। एक सेकंड पहले एक पूरा हो जाए, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर देखेंगे किसी भी धरती में चार भ्रमित मानव का मतलब क्या, पहले इसको समझे, भ्रमित मानव यानी क्या, वो समझे जो नहीं है उसको मानना, परिभाषा पढ़ी तो सही। नहीं नहीं, क्या समझ गए, क्या समझ गए, मतलब हम कहेंगे कि चलो इनमें अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में पता लगेगा इनका भी शरीर है, इनमें भी जीवन है। ठीक है, एक में जीवन में समझदारी है, एक में जीवन में समझदारी नहीं, इतना ही आएगा ना। तो जिसको हम भ्रम कह रहे हैं वो ना समझी है, जिसको अपन कह रहे हैं ना समझी का अस्तित्व नहीं। जो अस्तित्व है उसका तो अध्ययन होता है, उसका पता लगता है, और जो अध्ययन होता है वो रूप गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में। नहीं, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। हम कहां मिक्स कर रहे हैं, इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि ये ना समझ है, ना समझ आप किस आधार पर, ये समझदार है। एक सेकंड, रूप गुण स्वभाव धर्म क्या, समझदारी नहीं। जैसे मैं जब अध्ययन करूंगा, मैं एक जागृत व्यक्ति हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो जागृत व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो उसको पता है ये इसमें जीवन भी है, इसमें शरीर भी है। इसको नहीं पता है खुद को, इसको खुद को पता नहीं है ये जीवन है ऐसा पता नहीं। ये जागृत व्यक्ति है, इनको पता है कि मैं जीवन हूँ और ये शरीर भी है, ये मान रहे हैं कि मैं केवल शरीर, इतना ही बात है। तो मतलब ठीक है, वो तो अस्तित्व है का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर शरीर है और जीवन है, यही है। अब यदि हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, शरीर भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, तो हम कहेंगे शरीर का भी अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व। इन दोनों को डिफरेंस आप कैसे करते हो, घुमा एक सेकंड, एक मिनट, इन दोनों को आधा बात हुआ। जीवन का क्या पर्पज है, जीवन का पर्पज है, हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जीवन के अंदर में समझदारी होना और समझदारी नहीं होना, ये दो को हमने अंतर किया, दोनों को हमने ना समझी क्या चीज़। हाँ, वो बराबर है, किंतु ऐसा है कि ये जो ना समझ है इसका भी अस्तित्व है। कहाँ से जो ना समझी जो है अस्तित्व नहीं है ना उसका, वही तो बता रहे हैं। देखो अस्तित्व होना मतलब उसको, अब ना समझ जीवन में ना समझी है उसका अध्ययन करेंगे, ना समझी मिलेगी या समझदारी मिलेगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जीवन कि का अध्ययन जैसे ही इनके अंदर शुरू होगा, इनको भ्रम मिलेगा ही नहीं। हाँ। इनको 10 क्रियाएं मिलेंगी, सही बात, ये भ्रमित क्रिया नहीं मिलेगी। एक, एक, एक ये भाग जो भ्रमित क्रिया है वो मान्यता के रूप में थी, वो हट जाएगी, जो मान वो खत्म हो जाएगी, इसी को कहते हैं कि भ्रम जो है उसका अस्तित्व जो पूरा है। ये जो है ये एक भाग है जो सही है, आपने जो कहा इसमें कोई दुविधा नहीं है, पूरा आ गया भैया। अब इसमें क्या एक भाग है, एक भी पूरा कर ले, ये जो का भी पूरा नहीं हुआ ना, ये जो कहा ये पूरा है, तो अभी हम लोग दोनों एक दूसरे का भ्रम है वो देख रहे हैं, इसलिए ये कहना चाहते हैं पूरा नहीं है। मैं बोलो मेरे से
मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, हम एक दूसरे का भ्रम को देख रहे हैं, आप भ्रमित हो या मैं भ्रमित हूँ, इसमें ऐसा कहना ठीक है, हम इनका भ्रम पूरा नहीं हुआ। बोला नहीं, मैंने तो कहा आपका देख ले, उन्होंने कहा, उनको बोलो ना आप भैया, ठीक बात, कोई बात नहीं, ये कोई खास मुद्दा नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, हम लोग जो मूल बात है वो देख लेते हैं। मतलब मेरे लग रहा है कि ये जो दोनों जो बात है आपने जो कहा वो जो समझाया वो पूरा सही है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, ये सही है ना, वो एक तरीके से ठीक है, वो एक भाग है, एक फिर दूसरा भाग है, तो फिर दो अस्तित्व हो गया, पूरा तो जल्दी नहीं, तो जल्दी बाजी क्यों कर देंगे ना, कहां जा रहा है, इनको समय दे दो, पूरा समय अभी तो 6 बजे तक तो कोई जगह नहीं, उसके बाद भी अपन 12 बजे, तो एक एक भाग जो है कि भ्रम का अस्तित्व नहीं है वो सही है ना, इसके अंदर में जो आपने एक्सप्लेन किया वो पूरा बराबर है। अभी ये है कि ये जो कहते हैं कि सह अस्तित्व में जागृति क्रम जागृति है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही। तो सह अस्तित्व में जागृति क्रम है और जागृति है, यानी कि जागृति क्रम की भी निरंतरता रहती है सह अस्तित्व के अंदर में, जो मानव जाति है मानव के अंदर में जागृति क्रम की निरंतरता भी रहती है और जागृति की निरंतरता भी रहती है, तो जो जागृति है तो वो भी अस्तित्व के अंदर में हरदम बना रहता है, इसलिए वो जो जागृति क्रम के अंदर में जो लोगों का जो होना वो भी निरंतरता के साथ में है, तो एक ये अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर में बात को कहना है और ये अलग परिप्रेक्ष्य में कहना है, इन दोनों को अगर हम जोड़ के देख लेते हैं ना तो मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन होता है, वो अलग परिप्रेक्ष्य है कि भ्रम का अस्तित्व नहीं है, वो समझना जरूरी है, नहीं तो वहीं पर अटक जाएंगे, है ना, जागृति की तरफ जाएगा ही क्यों, जागृति क्रम होने का मतलब ही है कि वो निरंतर जागृति के क्रम में ही है, जिसको हम अपन ने काफ़ी डिस्कस किया था, वो पशु मानव राक्षस मानव जागृति क्रम में होते हैं, वो अपन ने बढ़िया से हो गया था, तो वो जागृति क्रम में हर मानव रहता ही है, वो जागृति क्रम में जब तक है वो पशु मानव राक्षस मानव जिसको हमने कहा, तो इसका मतलब ये है कि वो भ्रमित मानव भी निरंतरता है, निरंतर है, तो ये अस्तित्व के अंदर में ये भी इस प्रकार के मानव भी होना, जागृति क्रम मानव होना और जागृत मानव भी होना, ये दोनों भी निरंतर बने ही रहते हैं, तो एक एक परिप्रेक्ष्य ये है देखने का, तो दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि भ्रम का अस्तित्व नहीं है, तो दोनों ही है ना अवधारणाएं सही है, क्योंकि दोनों को मिला लेते हैं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा देखना नहीं हो पाता है पूरा, क्या लगता है ये, इनको ऐसे ही देखना ठीक है या इसी प्रकार? मुझे मतलब आपका जो लॉजिक है ना उसमें दम नहीं दिख रहा, नहीं किस टाइप से देखना चाहिए, क्या लगता है कि हम एक तरफ कह रहे हैं भ्रम का अस्तित्व नहीं, एक तरफ कह रहे हैं भ्रम का अस्तित्व नहीं, किंतु चूंकि दो में से कोई हमको ड्यूअलिटी से कैसे हुआ, मतलब हम एक तरफ कहें आदमी है भी हो कहें आदमी नहीं भी है, ऐसा थोड़ी होता है, या तो आदमी है आदमी नहीं है, दो में से कोई दो पार्ट में थोड़े, दोनों पार्ट में जैसे जैसे जो बाबा जी की अवधारणा है और स्पष्ट रूप से समझ में भी आता है कि सह अस्तित्व में जागृति क्रम है, सह अस्तित्व में जागृति है, ये दोनों चीजें हैं, है ना, और एक ये भी अवधारणा है कि भ्रम का अस्तित्व नहीं है, है ना, ये भी अवधारणा है, ये दोनों ही अवधारणाएं हैं, और दोनों अवधारणाएं सत्य भी है, तो ये दोनों अवधारणाएं, ये एक तरफ इसको अलग तरीके से देखने का परिप्रेक्ष्य है, ये देखने का परिप्रेक्ष्य अलग है, मतलब इन दोनों को मिला के अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे तो वो कंफ्यूजन होता है, ये मतलब ड्यूअलिटी नहीं है, एक परिप्रेक्ष्य में कहेंगे भ्रम का अस्तित्व है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहेंगे भ्रम, नहीं तो आप वही समझाइए ना कि जागृति क्रम का मतलब क्या है, कुछ ऐसा नहीं किया है कि वो समझे, वो लाइन ही पढ़ लेते हैं, ये जो जहाँ से निकला है, संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है, ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अब ये जो हम जो बौद्धिक नियम कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब हम अमानव की बात करते हैं तो इसमें जो बौद्धिक नियम है उसके विपरीत जो क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियां है संग्रह द्वेष के कारण से उसके कारण वो भ्रमित मानव है या अमानव है, जब यहाँ बोल रहे भ्रमित मानव है तो भ्रम का अस्तित्व नहीं है, तो जो भ्रमित मानव है मतलब वो अस्तित्व नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहे कि वो धरती पे है ही नहीं, वो धरती पे है पर उसमें जो भ्रम की प्रवृत्तियां है ये पांचों प्रवृत्तियां उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बराबर इतना ही बोल रहे हैं, बराबर है,
वो भी भ्रमित मान्यता के रूप में, मान्यता के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में नहीं, नहीं है उसको क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति कही है। फिर तो हम जागृत मानव हो गए, प्रवृत्ति मान्यता के अर्थ, मान्यता के अर्थ में, और वही मतलब उसका मूल बराबर आपका, आपका जो बराबर है ये जो बात है, ये बात देखने से ही है ना वो जो बौद्धिक नियम का ना अस्तित्व बनता है, बराबर ये बात बराबर है इधर में। किंतु एक तरफ ये भी जो अवधारणा है कि जागृति क्रम जागृति है ना, कि जागृति क्रम जागृति है, यानी कि जागृति क्रम में हरदम मानव है, लेकिन जागृति क्रम को उस तरीके से नहीं डिफाइन किया। चार विषय पांच संवेदनाएं है ना, इस रूप में जागृति क्रम है, उसके बाद न्याय धर्म सत्य, इस तरीके से जागृति का क्रम है। हाँ उसी क्रम में, उसी क्रम में है जागृति क्रम, अपन जागृति क्रम की बात कर, भ्रम के अर्थ में नहीं। ये जो चार विषय हैं उनका अस्तित्व है क्योंकि उनमें सुख है, तो सुख आंशिकता में है इसलिए उसका अस्तित्व है। चार जो संवेदनाएं हैं उसका अस्तित्व है, इच्छाएं उनका अस्तित्व है क्योंकि उनका पहचान है, उनका अध्ययन है ना। इसके बाद न्याय का अस्तित्व, धर्म का अस्तित्व, सत्य का अस्तित्व, सबको मिला के जागृति क्रम है। अजागृति का कोई, भ्रम का कोई क्रम नहीं होता, भ्रम का कोई क्रम नहीं होता।